Hello friends, welcome to Planet Vegetarian. Please click on the red subscribe button to subscribe to my channel. Also click on the bell icon next to the subscribe button to get notified of the new video uploads. So aaj main aam panna ki recipe share kar rahi hu. Aaiye iske ingredients dekhte hain. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये तीन बड़े रॉ मैंगो लिए हैं या कच्चे आम, तो इनको सबसे पहले हम पील करेंगे। यहाँ मैंने सारे कच्चे आम पील कर लिए हैं। अब पील करने के बाद हम इन्हें रफली काटेंगे ताकि इसका पल्प अलग करें, और इसे इस तरह से हम पैन में लेंगे क्योंकि हमें इसे बॉईल करना है। आप चाहें तो इसे ऐसे पैन में लेने के बजाय प्रेशर कुक भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैं इसे रफली काट रही हूँ। इसको मैं अभी लास्ट में थोड़े और छोटे पीसेस में करूँगी। तो यहाँ मैंने इन सबको छोटे पीसेस में कर दिया है, और अब छोटे पीसेस में काटने के बाद हम इसे पानी डाल के बॉईल करेंगे। तो पानी इतना डालेंगे जिससे ये पूरा अच्छे से भीग जाए, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा, सो अंदाजे से पानी डालेंगे। तो यहाँ मैंने देखिए इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब इसको हम बॉईल करने रख देंगे। तो अगर आप इसे प्रेशर कुक कर रहे हैं तो 5 से 6 विसल्स हाई पे, जिससे ये अच्छे से गल जाए। नहीं तो अगर आप ऐसे पैन में कर रहे हैं तो करीबन 15 से 20 मिनट लेगा। और आप देखिए, उबाल आने के बाद गैस थोड़ी सी कम कर दी है मैंने, ताकि यहाँ पे आम जो है अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे मैंने अभी 1 एंड हाफ कप एक्चुअली शुगर ऐड करी है, पाउडर्ड शुगर है ये। आप चाहें तो इसमें आप चीनी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इससे चीनी भी एकदम इसी पानी में अच्छे से मिक्स हो जाएगी। एक बार इसको अच्छे से स्टिर कर देंगे और थोड़ी देर और पकने देंगे, ताकि आम जो हैं वो गल जाएं और ये चीनी जो है पानी में मिलके चाशनी बन जाए। सो करीबन 15 से 20 मिनट के बाद आप किसी भी एक आम के पीस को क्रश करके देखिए या दबा के देखिए कि वो गल गया है नहीं।
अगर लग रहा है आपको कि अच्छे से कच्चा आम नहीं गला है, थोड़ी देर उसे और गैस पर रहने दीजिए। तो यहाँ ये मेरे पास इंडक्शन वाली गैस है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है नॉर्मल गैस से। तो अब गैस बंद करके मैंने ये मिक्सचर को ठंडा कर लिया है। तो ये आम के पीसेस अलग करके इसको अब मैं प्यूरी करूँगी, और जो पानी बच जाएगा वो उस घोल से उसको हम फेंकेंगे नहीं। और प्यूरी करने से पहले यहाँ पे मैंने थोड़े से ये मसाले डाले हैं, जैसे कि ये भुना हुआ जीरा, काला नमक, काली मिर्च का पाउडर, और थोड़े से मिंट या पुदीने के पत्ते। ये स्टेप ऑप्शनल है, पर इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और आप चाहें तो थोड़ी सी भीगी हुई सौंफ भी डाल सकते हैं, बट मैंने वो स्टेप स्किप किया है बिकॉज मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए, अब मैंने इसे प्यूरी कर लिया है और इसको अब हम स्ट्रेन करेंगे एक स्ट्रेनर से, ताकि जो पल्प है वो अलग हो जाए और उससे हम आम पन्ना बनाएं। तो यहाँ पे मैं हिला के इसको स्ट्रेन कर रही हूँ, और आप देखिए पैन में वो पानी है जो पहले हमने चाशनी के टाइम पे बनाया था। तो थोड़ा सा लिया था मैंने आम के पीसेस के साथ, और बचा हुआ पानी उसी में मैं ये आम स्ट्रेन कर रही हूँ। तो सिर्फ ये बच रहा है आम का पल्प, जिसे मैं फेंक दूँगी। उसके अलावा सारा आम का जो पल्प और पानी है वो नीचे पैन में है। तो काफ़ी थिक कॉन्सेंट्रेट बनता है, और आप इसे बना के फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। और अगर आपको एक किसी गैदरिंग के लिए बनाना है तो इसी में ही आप एडिशनल पानी और आइस क्यूब्स डाल सकते हैं। तो अभी मुझे सिर्फ एक ग्लास बनाना है, तो मैंने ये पल्प लिया है ग्लास में। इसमें मैं थोड़ा सा आइस क्यूब्स और पानी डालूंगी और मिक्स करूंगी, और ये रेडी है। आप चाहें तो पानी के बजाय सोडा वाटर भी डाल सकते हैं, उससे थोड़ा फ्रिजीनेस आ जाएगी। तो यहाँ मैंने आइस क्यूब्स ऐड करी हैं, और मैं पानी ऐड कर रही हूँ। इसको मिक्स करेंगे और ये आम पन्ना तैयार है। ये बहुत ही रिफ्रेशिंग लगता है गर्मियों में, और बहुत ही न्यूट्रिशियस भी है। अब शुगर थोड़ी सी है, बट आप चाहें तो उसका कंटेंट कम कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर टेस्ट। तो यहाँ मैंने थोड़े से मिंट लीव्स के साथ गार्निश किया है, और इसमें मैं एक लेमन का पीस भी डालूंगी सर्व करते टाइम। तो ये देखिए, आम पन्ना की रेसिपी तैयार है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, ज़रूर इसको ट्राई करें। और ये कॉन्सेंट्रेट एक हफ्ते के लिए सही रहता है, ये ख़राब नहीं होता अगर आप इसे फ्रिज में रखें तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई सी यू इन माई नेक्स्ट वन।